हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नान बनाएंगे, तंदूर में नहीं, वो भी तवे पे। नान बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। आइए बनाना अब हम शुरू करते हैं। नान बनाने के लिए क्या क्या यूज होगा? 2 कप मैदा चाहिए हमें, 1 टेबल स्पून ऑयल चाहिए, बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून चाहिए, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट चाहिए, 1 टेबल स्पून शुगर चाहिए, 1/4 कप हमें दही चाहिए, 1/2 टेबल स्पून हमें खाने का सोडा चाहिए और हमें वाटर चाहिए। नान के लिए हम सबसे पहले आटा तैयार करेंगे। मैदा को हमने थाली में ले लिया है, तो अब हम इसमें बेकिंग सोडा, इसमें बेकिंग पाउडर, शुगर, सॉल्ट और ऑयल, ऑयल को हमें थोड़ा सा बचा लेना है बाकी यूज करने के लिए। दही को इसमें अब हम ऐड करेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। आटा को गूंथने के लिए हमने इसमें गुनगुना पानी लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ कर हमें तैयार करना है। आटे को ऑयल लगा के 5 से 6 मिनट तक हमें अच्छे से गूंथना है। अब आटा तैयार हो चुका है हम लोग का। हाथ से टच करने पे आटा एकदम सॉफ्ट और चिकना लग रहा है। और आटा गूंथने के लिए हमें 1/2 कप पानी यूज हुआ है। ये गीला कपड़ा है, इससे आटे को ढक करके 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे आटा पूरी तरीके से सेट हो जाए। इसके बाद हम नान बनाएंगे। 1 घंटा हो गए हैं, अब इसके हम नान बनाएंगे। अब हम सूखा आटा हाथों में लगाएंगे और इसके लोइया तोड़ेंगे। अब नीचे की तरफ करके इसको हम गोला करेंगे। इसी तरीके से अब हम बाकी की भी लोइया बना लेंगे। तवा को गर्म करने के लिए गैस पे रख देना है। सूखे आटे को लगा के अब लोइया को हमें लेना है और बेलने के लिए रख देना है। अब इसे हम बेलेंगे। इसे राउंड शेप में या फिर लॉन्ग में कैसे भी बेल सकते हैं। इसे हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। गैस को हम ऐसे करके चेक कर लेंगे कि गर्म हुआ है कि नहीं। हमारा गैस गर्म हो चुका है। अब इसके एक तरफ हमें पानी लगाना है, हल्का सा गीला करना है। जिस साइड गीला है उसे हमें तवा पर लगाना है ताकि ये चिपक जाए। इस तरीके हमें मीडियम फ्लेम पे रख देना है। अब हमारा एक तरफ से सिक चुका है, इसे उल्टा कर देंगे तवा को। इसे राउंड राउंड करके चारों तरफ घुमाते घुमाते हमें सेकना है। देखिए हमारा नान पूरी तरीके से सिक चुका है, पीछे से भी। अब इस पे हम बटर लगाएंगे। बटर लग चुका है, अब इस पे हम धनिया पत्ती को ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के भी नान को सेक लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा नान पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा नान रेसिपी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।